हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। ये एक ऐसा दिन है जहां आपको कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह उत्सव मनाया जाता है। इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 22 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आइए जानते हैं उन 5 बड़े कारणों के बारे में जिनके कारण ये पर्व इतना शुभ है। अक्षय तृतीया पर श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। उन्होंने ऋषि जमदग्नि और माँ रेणुका के घर जन्म लेकर धरती को धन्य किया। भगवान परशुराम अमर हैं और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया पर ही माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए शिव कृपा से गंगा को पृथ्वी पर लाए। इस दिन पवित्र और निर्मल गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार रसोई में निवास करने वाली माता अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इस दिन भंडारे कर गरीबों को खाना खिलाने का विधान है। इस दिन जो भी माता अन्नपूर्णा का पूजन करता है उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के अंशावतार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को लिखना शुरू किया था। महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। भगवद्गीता भी इसी महाभारत में समाहित है, इसलिए इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर ही पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। इसकी खासियत ये थी कि इसमें कभी अन्न खत्म नहीं होता था, इसलिए इस दिन सही किसान रबी की फसल के बाद खाली पड़े खेत को जोतना शुरू करते हैं। आपको बता दें इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से लेकर दोपहर 12:20 तक है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:49 से लेकर अगले दिन 23 अप्रैल को सुबह 7:47 तक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है और उसका अक्षय फल यानी कि कभी न समाप्त होने वाला फल प्राप्त होता है। इस दिन जप, तप, तर्पण और यज्ञ करने का भी विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी चीज घर में खरीद कर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इसके साथ ही किया गया दान भी आपको कई गुना होकर वापस मिलता है। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया को बहुत ही अबूझ मुहूर्त माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं होती। इस दिन किए जाने वाले सभी कार्यों में शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। विवाह के लिए ये सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा के बाद पौराणिक कथा पढ़नी चाहिए। अक्षय तृतीया पर 10 महाविद्याओं में से एक श्री मातंगी देवी का अवतार हुआ है। अक्षय तृतीया पर ही भगवान विष्णु के हयग्रीव और परशुराम अवतार का भी प्राकट्य हुआ था। इस दिन त्रेता युग और सतयुग की भी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। इस दिन ये चार धाम की यात्रा आरंभ होती है और सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदने के साथ ही नए बिजनेस का आरंभ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन विवाह करने वाले दंपतियों के जीवन में भी सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश करना या फिर नया वाहन लेना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस दान स्वर्ण स्वरूप मानी गई जौ का दान भी करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।